आईपीएल की ऑक्शन डेट आ गई है, 1571 खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर कर दिए हैं, जिसमें से कुछ बाहर के खिलाड़ी हैं, मैं कुछ आप लोग को बता देता हूं जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और आईपीएल के जो ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूं, क्योंकि ऑक्शन के अंदर 2 करोड़ बेस प्राइस जो होता है वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं उनको दिया जाता है, और वो 2 करोड़ बेस प्राइस वाले क्रिकेटर कौन है जो कि ऑक्शन में आ रहे हैं। हालांकि जब बोली लगनी है तो ऑक्शन की ऐसी की तैसी, ऑक्शन पूरा फट जाना है। मैं बोलूंगा चेक जो है ना, तुम लोग एक काम करना, उधर ही बैंक भी खोल देना, वो चेक डायरेक्ट जो है दे के कैश निकलवा लेना। अगर वहां पर मिल तो सऊदी अरब के बैंकों में तो इतना पैसा होगा नहीं जितना यहां पर इन प्लेयर्स ने लेना है। खैर ऑफिशियल जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूं डेट क्या है और सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि कौन से प्लेयर्स ने 2 करोड़ वाला बेस प्राइस रखा है और कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन-कौन से बड़े नाम है सब आप लोगों को बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अच्छा सब्सक्राइब कर लिया ना तुम लोगों ने, सबसे बड़ी बात एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है। देखो ये खबर मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को वरना भूल जाऊंगा। जिमी एंडरसन, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से ऑफिशियली यहां पर अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं आईपीएल के ऑक्शन में। कुड यू बिलीव इट कि भाई जिमी एंडरसन जैसा बंदा 42 इयर्स ओल्ड, वो बंदा एक फास्ट बॉलर, हालांकि इस एज में बंदे कोचिंग से भी रिटायर हो जाते हैं लेकिन ये बंदा अभी भी फास्ट बॉलिंग करेगा और जितना इसका फिटनेस है, मैच फिटनेस है, देखो आप जिस्मानी फिटनेस जितना भी देख लो मगर इस बंदे की मैच फिटनेस इतनी है कि ये बड़े आराम से 4 ओवर बॉल कर सकता है। और इसने 1.25 करोड़ की जो है वो अपनी आप कह लो बिट रखी है कि भाई मेरे को कम से कम तो भाई इतना पैसा मांगते हैं ना इतने एक्सपीरियंस का, तो 1.25 करोड़ जिमी एंडरसन को दिया है ऑफिशियल। मैं आप लोग को बाकी खबरें बताऊं तो यहां पर ऑफिशियल जो डेट आ रही है आईपीएल मेगा ऑक्शन की जो कि होगा जदा सऊदी अरेबिया में। अब ये क्यों लेकर जा रहे हैं जदा में मुझे खुद नहीं पता, हालांकि इससे पहले जदा में मेरे ख्याल से नहीं हुआ, पहले दुबई में होता था, इंडिया में होता था, मुंबई दिल्ली और चेन्नई वगैरह में भी होता रहा है, लेकिन इस बार ये जा रहे हैं जदा और वहां पर जाकर जो है इस ऑक्शन को आप लोग देखेंगे लाइव वहां से। उसके बाद यहां से 1574 क्रिकेटर्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन आईपीएल ऑक्शन। अबे तुम्हारी 1574 बंदों ने यहाँ पर जो है ख्वाहिश जाहिर की कि हमें टीम्स के अंदर लेना है। भाई तुम लोग खुद बताओ इतने प्लेयर होते भी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया के प्लेयर्स को मिला लो तब भी इतने प्लेयर्स नहीं बनते। अच्छा इसमें से सीधी बात 1165 तो है ही इंडियन, 1165 प्लेयर्स इंडियन है जिन्होंने रजिस्टर किया। भाई कितना टैलेंट लेके बैठे हो यार तुम लोग अपने अंदर, इतने सारे प्लेयर्स हैं, 1165 खिलाड़ी इंडियन है और 409 जो हैं वो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लिविंगस्टन है और अपना ये मिचेल स्टार्क हैं, मैं क्या क्या बताऊं आप लोग को फिर। अच्छा इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो ये 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर इंडिया का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद जो फौरन इवनिंग में 24 और 25 नवंबर को जड्डा में जो है ये ऑक्शन किया जाएगा। 2 दिन का ये ऑक्शन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आईपीएल का ऑक्शन, क्योंकि इस ऑक्शन में आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं जो इस ऑक्शन के वो हैं प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। मैं आपको उनकी जरा बता देता हूँ कि कौन कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। सबसे पहले 2 करोड़ बेस प्राइस वाले जो क्रिकेटर्स हैं उसके अंदर अपने केएल राहुल साहब, केएल राहुल हमारे नंबर 1 पे आएंगे, बेस प्राइस है इनका 2 करोड़। फिर श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर भी आपको यहां पर जो है वो 2 करोड़ के प्राइस में आते दिखाई देंगे। ऋषभ पंत 2 करोड़ में आते दिखाई देंगे। रविचंद्रन अश्विन यहां पर 2 करोड़ में जो है ऑक्शन में आए हैं, और यजविंदर चहल यहां पर 2 करोड़ ऑक्शन, मोहम्मद शमी 2 करोड़ ऑक्शन, खलील अहमद, यार खलील अहमद 2 करोड़ ये कुछ ज़्यादा हो गया, देखो मुझे नहीं पता खलील भाई आप 25-30-75 में कर लेते हो आपने 2 करोड़। अच्छा तुम लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या खलील अहमद वाकई 2 करोड़ का बंदा है जितना इतने ऑक्शन में प्राइस डाली है। फिर दीपक चाहर जो है वो आते हैं 2 करोड़ के ऑक्शन में, वेंकटेश अय्यर आते हैं 2 करोड़ के ऑक्शन में, आवेश खान, यार आवेश खान भी 2 करोड़ में। आवेश भाई इस तरह तो नहीं करो, माना कि राजस्थान ने आपको रिलीज किया लेकिन आपने तो अपनी प्राइस ही बिल्कुल बढ़ा दी, 2 करोड़ का सीधा ऑप्शन। ईशन किशन आ गए भाई उनका समझ में आता है, ठीक है बहुत अच्छे हैं। मुकेश कुमार हैं, अबे मुकेश कुमार भी 2 करोड़ में, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये 2 करोड़ में मुकेश कुमार और ये अपने इस जैसे क्रिकेटर, भाई इस तरह नहीं करो, थोड़े तुम लोग तो थोड़े कम मांग लो। फिर यहाँ पर आएंगे ईशन किशन, अच्छा यह हो गया, भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं भाई ऑप्शन के अंदर, वेरी वेल डन, और ये बंदा 2 करोड़ से तो कहीं ज्यादा का जाएगा, ये बंदा आरसीबी के अंदर आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ये बंदे को आरसीबी में लेकर आओ, इसकी मुंह को किसी भी दिल तो चाहता है कि आईपीएल में घुसकर हम भी ट्राई कर लें खेलने का, नेशनलिटी बदल के पाकिस्तानी से कोई श्रीलंकन हो जाए कोई हो जाए, क्योंकि भाई कोशिश तो पूरी रहती है। फिर अपने प्रसिद्ध कृष्णा, इनको भी 2 करोड़, मतलब यार बड़े पैसे मांग रहे हो यार तुम लोग। नटराजन जो है वो आए हैं यहाँ पर 2 करोड़ में, रजत पटीदार, देवदत्त पडिकाल, देवदत्त पडिकाल आए हैं 2 करोड़ के ऑक्शन में, कृणाल पंड्या
ये भी 2 करोड़ के ऑप्शन में, हर्षल पटेल भी 2 करोड़ के ऑप्शन में, और फिर अपने ये अर्शदीप सिंह, ये तो भाई बहुत लंबा जाएगा, मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह आराम से 14-15 करोड़ रुपए अर्शदीप सिंह का पक्का है, मानो या ना मानो अर्शदीप सिंह 14-15 करोड़ तो 100% लेके जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो भी यहाँ पर 2 करोड़ के ऑप्शन में, ये तो भी जाएगा, ये भी 8-10 करोड़ में से ऊपर का ही बंदा है, क्योंकि इसने जो परफॉर्मेंस दे दी है रिसेंटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग। शार्दुल ठाकुर जो है वो भी 2 करोड़ में, मोहम्मद सिराज ये भी 2 करोड़ में ऑफिशियल, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, और उमेश यादव ये भी 2 करोड़ में। अब खुद सोचो कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि वाकई में 2 करोड़ क्या 10-10 करोड़ भी डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स का मुझे थोड़ा शक पड़ रहा है। फिर यहाँ पर जो है सरफराज खान और पृथ्वी शॉ ने 75 लाख रुपीज का जो है वो अपना डिमांड रखा है। अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पृथ्वी शॉ सरफराज अहमद सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की फॉर्म बड़ी एल लगे पड़े हैं, फिटनेस के भी एल लगे पड़े हैं, फॉर्म के भी एल लगे पड़े हैं। मगर ये है, मैं आपको बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि इस ऑक्शन में जितने प्लेयर्स ने रजिस्टर किया इतने प्लेयर पूरे पाकिस्तान में है ही, मतलब पाकिस्तान में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पीएसएल का भी आपको मैं बताऊंगा, दिसंबर में इनका ड्राफ्ट होना है पीएसएल का, उसके अंदर मुश्किल से कोई 300-350 प्लेयर जब रजिस्टर करते हैं, वो भी लोकल प्लेयर ही होते हैं अक्सर जो गली क्रिकेट खेलते हैं, जैसे मैं हो गया, मैंने भी एक बार अपने आप को रजिस्टर किया था, आगे से बोलते साले तू कौन है बे, मैंने कहा चलो तुमको एक दिन बताएंगे सबर करो। खैर जो भी हो, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑक्शन आ रही है, 25th यहाँ पर जो है नवंबर को डेट आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त डेट है। अब देखो ऑन अ सीरियस नोट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जो है ना, ये इस दफ़ा का आईपीएल ऑक्शन फाड़ के रखने वाला है, इस दफ़ा आईपीएल ऑक्शन किसी को बख्शेगा नहीं, दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी, दुनिया जो है वो फना हो जाएगी, क्योंकि आईपीएल का ये ऑक्शन हिस्ट्री क्रिएट करेगा और करना चाहिए। देखो इस ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऑलरेडी लोगों ने रिटेन कर लिए, मिचेल स्टार्क इसके अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर जो है वो ट्रेविस हेड जो है वो ऑलरेडी सनराइज हैदराबाद के पास है, पैट कमिंस ऑलरेडी हैं, मिचेल मार्श नहीं है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, जॉश हेजलवुड मुझे नज़र नहीं आए, वो पता नहीं कौन सी टीम के अंदर है। तो ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस लिस्ट में होंगे और ज़रूर होंगे, एंड आई होप के होंगे, क्योंकि भाई हर किसी की मरने से पहले ख्वाहिश होती है कि मुझे मरने से पहले आईपीएल खेलना, ताकि मेरी फैमिली सेटल हो जाए। और वाकई में अगर मरने से पहले आईपीएल खेल लिया और आपकी फैमिली सेटल हो गई तो आप सुकून से मर सकते हो, और आईपीएल ही वो जगह है जहां पर आपको इतना पैसा मिलता है कि आप बड़े आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, कोई आपको टेंशन वेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा जो है वो अपने आप को नंबर वन पर ही रखते हो। और आईपीएल में खेलना बहुत बड़ा ख्वाब है, जिमी एंडरसन आ रहे हैं भाई आईपीएल से, इंग्लैंड से तो खैर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आ रहे हैं, उनकी तो खैर पूरी बारात आ रही है ऐसा समझो, क्योंकि 409 में से ऑलमोस्ट 250 क्रिकेटर जो है वो सीधा सीधा इंग्लैंड से आते हैं, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर बाकी मुल्कों से साउथ अफ्रीका वगैरह से आते हैं। ऑफिशियल बहुत अच्छी जो है ये ऑक्शन होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस ऑक्शन में तबाही फिरने वाली है और सारा पैसा जो है वो इंडिया के प्लेयर्स को ही मिलेगा, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छी और शानदार किस्म की जो है ये ऑक्शन होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑक्शन हम लोग लाइव देखेंगे और लाइव इसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगे। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।